बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके खिदमत में बहुत ही मज़े की क्विक रेडी होने वाली चोलिस्तानी कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम मसालों से बनती है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है। तो चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले हमने पैन ले लिया, तो ये हॉट हो चुका है। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो तकरीबन आधा कप है। इसके गर्म होने पर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। ऑयल हमारा अच्छा हॉट हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन, जो कि ऑलरेडी वॉश्ड है, जो 700 ग्राम है। तो इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए चिकन यहाँ से अच्छा सा आई है, चिकन बहुत ही मज़े की सी खुशबू आ रही है। तो इसको मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। इसको डाल देती हूँ 1 टीस्पून ऑयल और इसी में भी फ्राई करेंगे, और साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। अगर आपने फ्लैट कलर काट के यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, इससे मज़े का टेस्ट आएगा। अब इसको 2-3 मिनट तक भूनते हैं ताकि इनकी कच्ची जो स्मेल वो भी खत्म हो जाए, और ये अच्छी तरह से भून जाए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब यहाँ मैंने 7 से 8 टमाटर लिए, इनको मैंने बस 2-2 स्लाइसेस में मैंने यहाँ से काटा। अभी हम ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसमें उसकी साइड का पानी भी डाल देते हैं साथ में, और इसको पकने के लिए रख देते हैं। इसमें 1/2 कप पानी भी डाल देते हैं और इसको टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकने देते हैं, और फिर इसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अभी मैं इसी पानी के साथ इसको पकने के लिए रख देती हूँ। अभी मैंने कोई और मसाला नहीं डाला, सिर्फ नमक ही डाला। अभी हम इसको ढक कर पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। अब ये देखें, यहाँ पे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं टमाटरों की माशाल्लाह से स्किन बिल्कुल उतर रही है। तो अभी हम इनको 1 by 1 करके ऐसे उतार लेंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे हम सारे टमाटरों की स्किन उतार लेंगे, ये पूरी उतर रही है बिल्कुल बारीक, आपने देखे। तो अभी हम 1 by 1 सबके उतार लेते हैं, और ये देखें टमाटर ने अपना ही पानी छोड़ा, चिकन में तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब जो स्किन उतरी अब हम इसको उतार लेते हैं, और अभी हम इसको पकाते हैं जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें मैंने इसमें और पानी बिल्कुल नहीं डाला, वही जो टमाटरों का और उसी में चिकन पाक करा, और इसको अभी तब तक कुक करेंगे जब तक कि ऑयल इससे अलहदा होना शुरू हो जाए। मेरा तकरीबन ऑयल अलहदा हो चुका है, तो अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, जो कि कुछ यूँ हैं: रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली का पाउडर और क्यूमिन का पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया, जो कि मैंने दरदरा सा कूट के डाला है। आप भी प्लीज़ कूट के डालिएगा मसालों को। अभी हम इनको 2 से 3 मिनट तक ही कुक करेंगे ताकि जो मसालों का नाइस टेस्ट डेवलप हो जाए, और ये अच्छी तरह से भून जाए। और मैं चम्मच मसलसल चला रही हूँ, इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनते हैं। ऑयल भी माशाल्लाह से अलहदा होना शुरू हो गया। देखें चिकन हमारा माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको मसालों के साथ भूना है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्चें कूट के डाली हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप भी प्लीज़ कूट के ही डालिएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट, अगर आपने कम या ज़्यादा करना आप कर सकते हैं, अगर आपने टमाटर ज़्यादा डाले हैं तो योगर्ट कम कर लें, और अगर आपने योगर्ट ज़्यादा डालना टमाटर कम कर लें। इसको तब तक इसके साथ भूने तब तक ये नाइसली मिक्सअप हो जाए। क्या हमारा ऑयल अलहदा हो चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। इसको मैंने बिल्कुल
कढ़ाई जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है, तो इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह से कढ़ाई रेडी है, तो अभी मैं इस पर हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आपने ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको एक दो मिनट तक ही बस भुनेंगे, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, और इसको एक दो मिनट तक कुक कर सकते हैं। अभी मैं इसको गरम मसाला के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी, और फिर ये हमारी जो चोलिस्तानी कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने चोलिस्तानी कढ़ाई को सर्व कर लिया हुआ है। इसको मैंने हरे धनिया के साथ गार्निश किया है, और इसमें बिल्कुल मैंने कम ग्रेवी रखी है। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है। बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी, और बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ हुए हैं। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई को सर्व कर लिया हुआ है। बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही सिंपल मसालों से बन जाती है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।